एक और स्कूल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, आई 6 ईयर्स ओल्ड, मतलब यहाँ पे मैं 6 साल का हूं, मतलब यहाँ पे जो हैज और हैव दिया है ये इसका मीनिंग के हिसाब से हैज और हैव आंसर नहीं है, क्योंकि मैं 6 साल का हूं तो हूं मीनिंग होता है, सीधे आंसर आएगा बी, मतलब एम आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा एम। चलो, आर यू एग्जॉस्टेड, मतलब क्या आप थक चुके हैं, सामने वाले को सवाल कर रहे हैं, तो सामने वाला जब आंसर देगा तो आई में देगा, मतलब ये जो आंसर है यू में है, तो यू में आंसर है वो रॉन्ग है। चलो, यहाँ पे आई के साथ इज दिया है, आई है लेकिन आई के साथ इज दिया है, आई के साथ इज नहीं आता, ये रॉन्ग है, मतलब आंसर कौन सा राइट है, यस आई एम, ये राइट आंसर है। चलो, वी वर इंजीनियर्स, राइट, हम इंजीनियर है, डेट इज, ये डेट इज है, और ये ऑफिस, मतलब वो हमारी ऑफिस है, मतलब वी है तो हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव कौन आएगा, आवर आएगा, मतलब ये अस ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे जो नाउन के आगे जो यूज किया है वो एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, मतलब ऑब्जेक्ट अस नहीं आता है, और यहाँ पे जो देर दिया है, देर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन वी का पजेसिव एडजेक्टिव कौन है, आवर, तो ये देर रॉन्ग है, आवर इज द राइट आंसर। देर आर 60 मिनट्स इन ब्लैंक, ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो अ से होगा, अ मीन्स ए से होता है प्रोनाउंसिएशन, आवर, एच साइलेंट रहता है यहाँ पे। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है और आवर क्या आ गया, हम आर्टिकल बोले के ईज नहीं आएगा, ये ईज यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है, मतलब ईज नहीं आएगा, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव दिया इसकी जरूरत नहीं होती, आर्टिकल की जरूरत होती है, तो एन आएगा। चलो, देर आर ब्लैंक पियर्स इन बैक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है और क्वेश्चन में आता है, तो ये आंसर नहीं रहेगा, और यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जो पियर्स कहा गया, मतलब बैग के अंदर पियर से, मतलब ये इन नहीं आएगा, बैग में कुछ पियर से, मतलब सम आएगा। चलो, आई सो टू, देखो नंबर के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ये तो स्पेलिंग ही रॉन्ग है, और ये वुमन सिंगुलर में, नंबर के बाद जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब ये रॉन्ग है, ये राइट आंसर है वुमेन। चलो, देर इज अ नाइस पिक्चर, देखो पिक्चर कहाँ पर है, वॉल के ऊपर है, मतलब सरफेस के ऊपर है, तो देखो ये इन नहीं आएगा इसमें, जो भी सरफेस के ऊपर होता है तो इन नहीं होता है, एट जगह बताने के लिए और टाइम बताने के लिए उपयोग करते हैं, और इन जो कोई बड़ा प्लेस होता है उसमें इन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑन इज द राइट आंसर। आई एम वेरी हार्ड एट द मोमेंट, मतलब देखो यहाँ पे एट द मोमेंट क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडिकेटिव वर्ड है, और आई एम दिया, तो एम के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म वाला आएगा, मतलब ये वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि आई, ये जो वर्क्स होता है वो ही शी इट के साथ आता है, मतलब ये आई सब्जेक्ट है, इसके साथ कभी हम वर्क्स नहीं बोलते हैं, और आई वर्क बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एम दे दिया है इसलिए आई एन जी वाला फॉर्म आएगा, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, राइट आंसर है वर्क। डे के बाद हमें एक वर्क फॉर्म दिया जो आई एन जी वाला फॉर्म होता है, राइट, तो यहाँ पे एम इज आर, मतलब के उसमें से आर आ सकता है आंसर, लेकिन ये आर ऑप्शन नहीं है, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा दिया है वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो ये जो एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, तो दे के बाद कोई वर्ब आएगा, देखो दे के साथ हम लाइक्स नहीं बोलते हैं, और दे के साथ सीधा लाइकिंग नहीं बोलते, दे आर लाइकिंग, लेकिन यहाँ पे आर दिया नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है लाइक। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्कूल में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ये कंटेंट की एक्सरसाइज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।